हेलो दोस्तों, मैं हूँ ट्रिपी। बारिश घास को हरा भरा बना देती है और आपके बगीचे को भी विकसित करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्या होती है? आइए जानें बारिश कैसे बनती है। पहले हमें सूर्य की जरूरत होगी। ओह, ये रहा सूर्य। जब सूर्य चमकता है तो इसकी गर्मी पानी को गर्म करती है और इसे एक अदृश्य गैस में बदल देती है, जिसे जल वाष्प कहा जाता है। पानी के गैस में बदलने की यह प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। चूंकि गैस तरल पदार्थों की तुलना में हल्की होती है, इसलिए जल वाष्प आकाश में ऊपर उठते हैं और आगे गैस के तापमान के कारण पृथ्वी की सतह से ऊपर बढ़ते जाते हैं। तो आकाश में जल वाष्प ठंडी हो जाती है और पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है। जल वाष्प का जल की बूंदों में परिवर्तन संघनन कहलाता है। यह वाष्पीकरण के विपरीत है। बादल पानी की छोटी छोटी बूंदों से बने होते हैं, इसलिए जब संघनन होता है तो आकाश में बादल बनते हैं और बढ़ते हैं। आइए इसे करीब से देखें। बूंदें आपस में टकराती हैं और बड़ी बूंदें बनाती हैं। जब बूंदें भारी हो जाती हैं तो वे गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरती हैं। बादल से जमीन तक की यात्रा के दौरान वे बढ़ते और एक दूसरे से टकराते हैं। बारिश की हर एक बूंद जो जमीन पर पहुंचती है, पानी की मूल छोटी बूंदों से मिलकर बनी होती है। बारिश की बूंदें तब जमीन की सतह पर गिरती हैं जब सूर्य उन पर चमकता है और पूरी प्रक्रिया फिर से होती है। इस पूरे क्रम को जल चक्र कहते हैं। यह पौधों, जानवरों व मनुष्यों के जीवित रहने के लिए पानी की जरूरतों को पूरा करते हुए जल को जमीन से आसमान की ओर गतिमान रखता है। तो अब आप जानते हैं कि वर्षा की बूंदें कैसे बनती और गिरती हैं। आइए इसे संक्षेप में देखें। जल चक्र के चरण। वाष्पीकरण। पानी का गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। संघनन। जल वाष्प का जल की बूंदों में परिवर्तन संघनन कहलाता है। अवक्षेपण। वर्षा, हिमपात या ओले के रूप में आकाश से जल गिरता है। इस प्रक्रिया को बारिश कहते हैं। संग्रह। महासागर व झीलों में जल इकट्ठा हो जाता है। यह जल फिर से आकाश में वाष्पित हो जाता है और यह चक्र जारी रहता है। और भी ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल पर जरूर बने रहें। धन्यवाद।